डॉक्टर अंशुमान, तो हम क्या ये समझें जो ये ब्लैक फंगस हो रहा है पहले से ही एग्जिस्ट करता था, लेकिन जो कोविड पेशेंट हैं और जो कोविड का ट्रीटमेंट हुआ और खास तौर से जिन्होंने सेल्फ ट्रीटमेंट लिया उनके अंदर ये ज्यादा हो रहा है? बिल्कुल, जिन्होंने सेल्फ ट्रीटमेंट लिया और एक्सेसिव डोज ऑफ स्टेरॉइड लिया अनमॉनिटर्ड विदाउट सर्विलेंस, स्टेरॉइड को हम कहते हैं, स्टेरॉइड एक बड़ा ग्रुप है जिसमें डेक्सामेथासोन और बहुत सारी दवा आती है, प्रेडनिसोलोन, अनेक दवा है, उसको कहते हैं हम दुधारी तलवार, डबल एज स्वॉर्ड। मतलब एक साइड तो उससे हम फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर उसका गलत डोज गलत समय पे चल गया तो उस इंसान को ही डैमेज करता है स्टेरॉइड। वही हुआ, आपने अपनी मर्जी से स्टेरॉइड खरीद ली, और जो जो दर्शक सुन रहे हैं मैं पूरी तरह वाकई उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये प्रिस्क्रिप्शन रखा होगा जिसको मैं मना कर रहा हूँ खाने से, और पहले से मना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं आज शो के माध्यम से मना कर रहा हूँ, आप चाहिए एक साल पुराना आर्काइव उठाइए, इन सारी दवाओं का नाम मैंने लिखा हुआ था कि ये कारगर नहीं है ना लें। स्टेरॉइड कारगर है, लेकिन कब देना है ये डॉक्टर डिसाइड करता है, आप डिसाइड मत कीजिए, क्योंकि अर्ली स्टेज में हम नहीं देते हैं, अर्ली के दिन नहीं देते हैं, अर्ली डेज में, लेट डेज में इसको देने की जरूरत होती है जब एसपीओ टू कम हो, उसके क्राइटेरिया मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आप अपना इलाज चालू कर दीजिएगा। इसके कारण इस फंगस को अपॉर्चुनिटी मिली और इस बार ये ज्यादा ग्रो किया है जी। तो यानी कि सबसे पहले दर्शकों को मैं भी डॉक्टर साहब के मार्फत ही बताना चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, चर्चा हो रही है, किसी भी दवाई का नाम लिया जा रहा है, वो कोई जनरल मेडिसिन नहीं है, ओवर द काउंटर आप नहीं ले सकते हैं। किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए आपको डॉक्टर से मिलके ही आपको कंसल्टेशन लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे चाचा के बेटे को हो गया था और उन्होंने मेदांता के एक बड़े डॉक्टर को दिखाया था तो ये प्रिस्क्रिप्शन मेरे सामने है और मुझे भी वही सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम भी वही दवाई ले लें, क्यों डॉक्टर साहब, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, अक्षर सर आपने ग्राउंड रियलिटी की बात की, पब्लिक कनेक्ट की बात की, एग्जैक्टली यही हो रहा है जो आपने कहा है।